हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप भसीन केयरवेल मेडिकल सेंटर से। आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ एक स्पेशल न्यूज़। जिन लोगों को सफ़ेद दाग है, विटलिगो है, उनके ट्रीटमेंट के लिए एक नई दवा इंडिया में लॉन्च हुई है, तो उसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए, जो वाइट पैचेज हैं, जो अनस्टेबल हैं, बढ़ रहे हैं, हमने कई बार पहले शेयर किया, उनका जो ट्रीटमेंट है वो मेडिकल मैनेजमेंट होता है। और मेडिकल मैनेजमेंट में जो कॉमनली हम दवाइयाँ देते हैं वो इम्यूनो सप्रेसेंट्स होते हैं, इम्यून सिस्टम को दबाने वाली कुछ दवाइयाँ। कॉमनली जो वाइट पैचेस में यानी विटलिगो में जो दवाई इस्तेमाल होती है वो बेटनेसोल यानी स्टेरॉइड्स हैं, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी दवाई जो कॉमनली यूज होती है एज़ाथायप्रिम है, कभी कभी मेथोट्रेक्सेट और साइक्लोस्पोरिन का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसमें जो सबसे कॉमनली जो इस्तेमाल की जाने वाली दवाई है बेटनेसोल, उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं वेट गेन यानी मोटापा होना और डायबिटीज़। और इस कारण कुछ लोग जिनको डायबिटीज़ है वो ये दवाई नहीं ले पाते हैं या उनको नहीं दी जाती, तब हम उनके लिए दूसरे अल्टरनेटिव्स ढूंढते हैं, जैसे एज़ाथायप्रिम या मेथोट्रेक्सेट। अभी एक दवाई जिस टोफासिटिनिब के नाम से जो है, जो जैक टू इनिबिटर है, ये इंडिया में लॉन्च हुई है। इप्का कंपनी इसको लेके आई है और टोफासिटिनिब अब इंडिया में मिलने लग गई है। और इसको जैक टू इनिबिटर्स को हम इस्तेमाल कर रहे हैं उन लोगों में, खास करके जो बेटनेसोल यानी स्टेरॉइड्स को नहीं ले पाते हैं। जैक टू इनिबिटर्स में लिवर पे, किडनी पे कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही डायबिटीज़ का इंसिडेंस बढ़ता है। सिर्फ हमें इस बात का ध्यान देना होता है कि कभी आपको पहले कोई टीबी की बीमारी ना हुई हो। मैंने इस दवाई का इस्तेमाल किया है कई वाइट पैचेस के पेशेंट्स में और अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। लेकिन अभी आज से पहले कुछ महीने पहले तक हमें इसको दूसरे देशों से लेना पड़ रहा था और एक महीने की ये दवा हमें 18,000 से 20,000 कॉस्ट कर रही थी। इंडिया में जब इप्का ने इसको लॉन्च कर दिया है तो इसकी कॉस्ट 2,500 से 3,000 के बीच में अब पड़ रही है। सो ये काफ़ी एक हमारे लिए अच्छी न्यूज़ है। हम जिन पेशेंट्स में स्टेरॉइड्स नहीं देना चाहते उसमें हम टोफासिटिनिब का इस्तेमाल कर पाते हैं और एक अच्छा रिजल्ट ले पाते हैं। सो ये एक न्यूज़ थी जो वाइट पैचेस के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए, सम न्यू मेडिसिन हैज कम और इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। कई बार हमें इसको कंबाइन करना पड़ सकता है मेथोट्रेक्सेट या एज़ाथायप्रिम के साथ, एंड उसमें किसके रिजल्ट्स आते हैं, अकेले शायद इतनी सक्सेसफुल नहीं हो, या हमें टाइम ही बताएगा कि कितनी सक्सेसफुल है ये विटलिगो के पेशेंट्स में। बट जिन पेशेंट्स में मैंने इसको इस्तेमाल किया है हमें उससे अच्छे रिजल्ट्स मिला है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की विटलिगो के रिगार्डिंग। वाइट पैचेस पे हमारे और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उनको आप देखना ना भूलें। आपकी कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो विटलिगो यानी वाइट पैचेस पे, तो कुछ नंबर्स शेयर कर रहे हैं, आप इन नंबर्स पे बात कर सकते हैं ये आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। एंड आशा रखता हूँ फ्यूचर में हम कभी ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।